मिसेस चौहान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर सेई को इंसानी तौर पर कैसे देखती हैं? वो डॉक्टर कैसे हैं ये तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे सब लोग जानना चाहते हैं कि आप उनको इंसानी तौर पर कैसे देखती हैं। मैं ये बात अदालत को पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे सेई जोशी जरा भी पसंद नहीं है। आप उन्हें पसंद करें या ना करें वो बात ही अलग है। यहाँ पर तो सबने बता दिया कि वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, वरना भला कोई अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और की जान क्यों मचाएगा? वो सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि सेई एक झूठी, चालाक और पत्थर दिल औरत है, और इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। बहुत गुस्सा आता होगा ना आपको उन पर? आपको कभी कभी लगता होगा कि आप कितना लाचार महसूस कर रही हैं, कि आप चाहकर भी डॉक्टर सेई के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। आपको नहीं लगता कि आपको इन्हें इनकी जगह दिखानी चाहिए, इन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि ये घर, ये परिवार, ये बच्चा आपका है, और कोई भी बाहर वाली औरत आपकी जगह नहीं ले सकती। अभी आप ही ने कहा ना कि ये आपका बच्चा, आपका पति, आपका परिवार आपसे छीनना चाहती है। डॉक्टर सेई आपको पायदान समझ रही है, क्या आपका मन नहीं करता कि आप उन्हें बताएं कि आप पायदान नहीं है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डॉक्टर सत्या मेरी क्लाइंट को गुमराह कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। डॉक्टर सत्या, आप अदालत की मर्यादा रखें, वैसे भी आप कोई वकील नहीं जो कंप्लेनेंट से इस तरह सवाल करें। सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन अदालत के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप प्लीज मुझे बस एक मौका दे दीजिए, बताइए मिसेस चौहान आप पायदान हैं या नहीं? नहीं, मैं कोई पायदान नहीं हूं, और ना ही कोई मेरी जगह ले सकता है। और यही समझाने के लिए मैंने सेई पे केस किया है, ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। और इसीलिए आपने उन्हें वही चोट पहुंचाई जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो, ताकि उनका करियर, उनका प्रोफेशन, उनके सपने सब कुछ टूट जाए, है ना? हाँ, अगर वो मुझसे मेरा परिवार छीनेगी तो मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मैं यही साबित करना चाह रहा था, सच सबके सामने है। इस केस की असली वजह डॉक्टर जोशी की ऑपरेशन के दौरान लापरवाही करना नहीं, बल्कि मिसेस चौहान के मन में भरी जाति दुश्मनी है। दिल में अगर नफरत का जहर भरा हो तो ऐसा ही होता है, कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है। देख लिया ना, अपने बदले की आग में जलकर इसने सेई को परेशान तो किया ही किया, पूरे परिवार को इस सब में घसीट लाई। और जहां तक सवाल है कि डॉक्टर सेई किस तरह की डॉक्टर हैं, तो वो मैं बताता हूँ। सर, इस केस की जांच करने मैं उस जगह गया जहां बस का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उस हॉस्पिटल भी गया जहां इनका ऑपरेशन हुआ था। जिस तरह ये वहां लाई गई और जिन हालात में इन दोनों ने इनका ऑपरेशन किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नागपुर तो क्या, पूरे इंडिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पाता। इनके पास्ट रिकॉर्ड देखिए सर, उससे पता चलता है कि दोनों कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं। इन पर आज तक कोई दाग, कोई आरोप नहीं लगा है। सर, एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैंने इस केस को बहुत क्लोजली स्टडी किया है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन दोनों ने जो किया वो बहुत जरूरी था। और ये कठिन फैसला अगर ये दोनों डॉक्टर्स ना लेते तो आज मिसेस चौहान हमारे भी जिंदा नहीं होती। इसलिए मैं मेडिकल काउंसिल के बिहाफ पे अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इन दोनों का लाइसेंस कैंसिल ना किया जाए, क्योंकि ये काउंसिल अपने दो होनहार और काबिल डॉक्टर्स को ना अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी लोगों का पक्ष सुनने और समझने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेज पत्रलेखा चौहान ने जो इल्जाम डॉक्टर सेई जोशी और डॉक्टर पुलकित देशपांडे पर लगाए थे वो सरासर गलत थे। इसलिए यह अदालत डॉक्टर सेई जोशी और डॉक्टर पुलकित देशपांडे को बेकसूर मानते हुए इन्हें क्लीन चिट देती है, और ये पूरी उम्मीद करती है कि पहले की तरह आगे भी पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहेंगे।
The case is dismissed. सही कंडुबा, तुझे खूब खूब आभार। चला हेलो टिप। पत्र लेकर से आई एम सॉरी। पत्र लिखा बेटा, जो कुछ भी हुआ है अब उसे भूल जाओ, ठीक है? डॉक्टर सत्या, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में इतनी कहा सुनी हुई और मैंने न जाने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी केस में आपने मेरा साथ दिया, मेरा पक्ष लिया। आपका साथ दिया? मैं आपका साथ क्यों दूंगा? मैंने सिर्फ अपने प्रोफेशन का साथ दिया, सो प्लीज आप इसे कोई पर्सनल एंगल मत दीजिए, ओके? आपके एक्स हस्बैंड की करंट वाइफ और आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे हमारी फ्रेटर्निटी और हमारे प्रोफेशन का नाम खराब हो रहा है। मैंने सिर्फ उसके नाम को बचाया, आपको नहीं बचाया मैंने। Got it. डॉक्टर सत्या, अपना काम इतनी बखूबी और इतनी ईमानदारी से करने के लिए थैंक यू, वरना मैंने और मेरे परिवार ने अनजाने में ही सही सही का ये केस पूरी तरह से खराब करने की तैयारी कर ली थी। उसके बावजूद आपने जो हमारी मदद की उसके लिए थैंक यू। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। वेल कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों अपनी जीत सेलिब्रेट कीजिए, मैं निकलता हूं। Thank you.
मुबारक हो, सही जीत गई। आपको भी काकू। वैसे भी जो डॉक्टर था सत्या, बहुत समझदार था। लेकिन इस केस का असली हीरो तो तू ही है ना? अरे इतनी जल्दी कणकोली जाकर तू उन पति पत्नी उन लोगों को यहाँ पर लेकर आया। इस केस का असली विलन भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी ही काकू ने सई के केस को कमजोर करने की कोशिश की। अरे मैंने तो बस सई की मदद करने की कोशिश की, तेरी तरह। मेरे मना करने के बावजूद? तूने मना किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया ना, और मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। मेरे लिए मतलब? किसी को क्या फर्क पड़ता है? मेरा पति अपनी एक्स वाइफ को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हे पापा। वहां पर काकू मुझे उस घर से निकालने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, और जिस तरह से सई वीनू के पीछे पड़ी है, विराट एक न एक दिन मेरे बेटे को भी उसे सौंप देगा। और अब तो मुझे लगता है कि काकू ने घर में पार्टी की तैयारियां भी शुरू कर दी होगी। काकू, आपने ये सब मेरे लिए किया, उसका मतलब क्या है? विराट, तूने कभी मुझसे कहा नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर है। किसकी सुनो अपने दिल की या ईमान की? लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं सही के बिना नहीं रह सकता हूँ। बात को गोल गोल क्यों घुमा रही है आप? क्योंकि जब सही की बात आती है तो तू भी तो गोल गोल बातें करता है। लेकिन मैं कोई गोल गोल बातें नहीं करूंगी, मैं तुझसे सीधा सवाल पूछती हूँ जिसका मुझे सीधा जवाब चाहिए। पूछिए। क्या तू सही से प्यार करता है? सही आ गई। सही भाभी, केस का क्या हुआ? केस आप जीते या पत्रलेखा वहिनी? सच की जीत हुई। मतलब आप जीते? स्टार्ट हो सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। देखा, मुझे तो पहले से ही पता था कि यही होने वाला है और आप ही केस जीतोगे। ओह, आला मुठा। ये भविष्यवाणी तुम? मैंने की थी। क्या हुआ डॉक्टर आंटी, आप पास हो गई? हाँ बड़ा, मैं एग्जाम में पास हो गई। और आपके डॉक्टर हेडेक है ना, उन्होंने मेरी काफी मदद भी की। डॉक्टर हेडेक नहीं, डॉक्टर कूल। और मम्मा का क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा पास नहीं हुई? क्यों? मम्मा पास क्यों नहीं हुई? पाड़ा, जो एग्जाम था ना, उसमें कोई एक ही पास हो सकता था, या तो आपकी मम्मा या मैं। पर क्यों? हमेशा आप दोनों के बीच में चॉइस क्यों होती है? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि आप भी पास हो जाती और मम्मा भी पास हो जाती? अब फिर से बेचारी मम्मा सैड हो जाएगी। हमेशा वही सैड होती है। आप इसका मूड ठीक करने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन क्या?
देख विराट, तुझे मेरी कसम, सच सच बता, तू सही से प्यार करता है या नहीं? विराट, तू सच से मुंह फेर सकता है लेकिन सच से भाग नहीं सकता। तूने मेरी कसम खाई है, तू सही से प्यार करता है या नहीं? तू कब तक ये सब अपने अंदर भर के रखेगा? कब तक इसे घुट घुट कर जिएगा तू? सच बोल बाड़ा, सही से प्यार करता है या नहीं? हाँ हाँ काकू, हाँ। सही से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ मैं सही से। जब मैं उसके साथ होता हूँ ना, तो सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। जब सही मेरे पास ना हो, तब भी उसे उसके साथ को महसूस करता हूं मैं। जब वो साथ होती है ना काकू, तब लगता है हाँ जिंदा हूं मैं। तो तू ये बात सही से छुपा क्यों रहा है? उसे बता क्यों नहीं देता? कह रही है काकू, मैं सही से ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ? बाकी मेरी पत्नी है, आप जो सोच रही हैं वो कभी नहीं हो सकता। हाँ धीरे धीरे अंदर से खोखला जरूर हो रहा हूँ, शायद एक दिन ऐसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगा, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। आखिर मेरी जिम्मेदारी है सही मेरा प्यार। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करके प्यार को चुना, तो क्या मैं खुदगर्ज नहीं कहलाऊंगा? तो क्या तू सही को भुला देगा? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।